नमस्कार मंतव्य मध्यान्ह साथे हूं शुभांगी राजगोर। बुलेटिन की शुरुआत में सौ प्रथम बात करवामां आवे तो एक महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे, तेनी पर नजर करवामां आवे तो कांग्रेस महिला कोर्पोरेटर द्वारा तांत्रिक विधिनो मुद्दो छे, जेने लईने जमुना वेगड़ा सामे कांग्रेसे लाल आंख करी छे अने गुजरात प्रदेश कांग्रेसे आ घटनाने खूब ज गंभीरताथी नोंध लीधी छे अने प्रदेश कांग्रेस प्रमुखे तपासना आदेश पण आप्या छे। कांग्रेस कोर्पोरेटर सामे कार्यवाही करवानी पर तैयारी दर्शाववामां आवी रही छे। जमुनाबेन वेगड़ाने सस्पेन्ड करवा सुधीनी कार्यवाही हाथ धराई शके छे। दाणी लीमड़ाना कोर्पोरेटरनो ऑडियो पण वायरल थयो छे। तो कांग्रेस महिला कोर्पोरेटर द्वारा तांत्रिक विधिनो जे ऑडियो क्लिप सामे आवी हती तेने लईने गुजरात कांग्रेस एक्शन मोडमां आवी गई छे अने जमुनाबेन वेगड़ा सामे कांग्रेसे लाल आंख करी छे। गुजरात प्रदेश कांग्रेसे आनी गंभीर नोंध लीधी छे अने प्रदेश कांग्रेस प्रमुखे तपासना आदेश पण आप्या छे। कोर्पोरेटर सामे कार्यवाही करवानी पण तैयारी दर्शाववामां आवी छे। जमुनाबेन वेगड़ाने सस्पेन्ड करवा सुधीनी कार्यवाही थई शके छे तेवा पण अहेवाल सामे आवी रह्या छे। दाणी लीमड़ाना कोर्पोरेटरनो ऑडियो पण आ अंगे वायरल थयो छे। तो जेवी रीते आ समग्र तांत्रिक मेली विद्या कराववानो जे ऑडियो गई काले सामे आव्यो हतो तेने लईने हवे कांग्रेसे लाल आंख करी छे। जमुनाबेन वेगड़ा सामे कांग्रेसे लाल आंख करी छे। गुजरात प्रदेश कांग्रेसे आने गंभीरताथी नोंध लीधी छे अने प्रदेश कांग्रेस प्रमुखे तपासना आदेश पण आप्या छे अने जो आ वातमां तथ्य जणाशे तो कोर्पोरेटर सामे कार्यवाही करवानी तैयारी पण कांग्रेसे दर्शावी छे। जमुना वेगड़ाने सस्पेन्ड करवामां आवी शके छे त्यां सुधीनी कार्यवाही करवामां आवशे तेवा पण अहेवाल सामे आवी रह्या छे। तो दाणी लीमड़ाना कोर्पोरेटरनो आ ऑडियो वायरल थयो छे अने जेमां तेओ कही रह्या हता तांत्रिक विधिनी वात करवामां आवी रही हती। दाणी लीमड़ाना कोर्पोरेटरनो ऑडियो जे वायरल थयो छे तेने लईने समग्र राजकारण गरमाई गयुं छे। जमुना वेगड़ा जे छे कांग्रेसे तेमनी सामे लाल आंख करी छे। जमुनाबेन सामे अने गुजरात प्रदेश कांग्रेसे आनी गंभीरताथी नोंध लीधी छे। तो आज अंगे वधु विगते बात करवा माटे आपणे साथे लाइव जोड़ाई चुक्या छे संवाददाता बृंदा। जेवी रीते माहिती सामे आवी रही छे के अंते कांग्रेस जागी छे अने आ बाबतने गंभीरताथी लीधी छे अने योग्य पगला लेवामां आवशे तेवी खातरी पण आपवामां आवी छे। केवा प्रकारना पगला लेवामां आवी शके छे भक्ति जो बात करवामां आवे तो जे रीते गई काले मोडी सांजे जे ऑडियो वायरल थयो हतो ते ऑडियोनी अंदर जे कांग्रेसना जे साथी कोर्पोरेटर हता जे विपक्ष नेता जे शैहजाद पठान छे तेमना साथी कोर्पोरेटर जमुना वेगड़ानो विडियो ऑडियो वायरल थयो हतो जेनी अंदर तेमणे तेमनी उपर काळा जादूनी विधि करावी होवानुं सामे आव्युं हतुं। परंतु जो बात करवामां आवे तो जे रीते ऑडियो वायरल थयो हतो तेनी अंदर स्वाभाविक छे के सांभळवा मळ्युं हतुं के तेमणे शैहजाद पठान ज्यारे विपक्षी नेता बन्या तेने लईने तेमणे तेमनो रोष व्यक्त करतो आ जे ऑडियो हतो तेमां चोक्कस देखवा मळ्यो हतो। खास तो जो वात करीए जे रीते तो आ कांग्रेस जे छे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पण आनी नोंध लेवामां आवी छे अने तेमणे सस्पेन्ड करवा सुधीनी पण वात करी छे अने साथे तपासना आदेश आप्या छे। महत्वनी बाबत ए छे के ज्यारे कोर्पोरेटर ज्यारे जमुना वेगड़ा अने शैहजाद पठान बंने ज्यारे कोर्पोरेटर हता अने विपक्षी नेतानुं नाम कोई पण जाहेर न थयुं हतुं त्यारे तेमनी मांग हती के तेमणे कोर्पोरेटरमांथी तेमणे विपक्षी नेता बनाववामां आवे, परंतु तेवुं न थता तेमणे आ रोष व्यक्त कर्यो। ऑडियो जे छे ते वायरल थयो छे। खास तो जो बात करीए तो जे रीते विपक्षी नेता शैहजाद पठान बन्या बाद आ तमाम जे ऑडियो वायरल थयो छे तेने लईने अनेक सवालो थई रह्या छे के हवे शा माटे आ ऑडियो वायरल थयो छे। बीजी वस्तु के जे रीते शैहजाद पठान विपक्षी नेता छे तो तेनी सामे अने धारासभ्य शैलेश परमार छे तेनी सामे काळा जादूनी विधि करवा माटेनो पण तेमणे जे धोराजीमां जे माताजी हता तेमणे आ कार्यवाही सौंपी हती। एटले के आ तमाम जे बाबतो छे तेने लईने प्रदेश कांग्रेस द्वारा तेनी तपास माटेना आदेश आपवामां आव्या छे, साथे ज हाईकमांडमां फरियाद करवा माटेनी पण तैयारी बताववामां आवी छे। एटले सवाल ए थई रह्यो छे के कांग्रेस हवे ए राजनीति पर आवी गई छे के जेमां अंदर जे कापकूप हती ते आटली हदे वधी छे के जेना कारणे आवा प्रकारना ऑडियो जे छे ते वायरल थई रह्या छे। साथे ज विपक्षी नेता शैहजाद पठाणे पण जणाव्युं हतुं के आवी कोईपण राजनीतिमां शीखवाडवामां नथी आवतुं के आवुं कोईपण प्रकारे कार्यवाही करवी, परंतु जे रीते हवे नीचली कक्षानी राजनीति जे कांग्रेसमां जोवा मळी रही छे तेने लईने हवे राजकारण गरमायुं छे। तमाम जे नेताओ छे जे वात करवामां शासक पक्षना नेता छे तेमणे पण जणाव्युं हतुं के आ प्रकारनी कांग्रेसनी जे मानसिकता जे छे ते छती थई रही छे। जी भक्ति जी वृंदा, क्या क्यांक आज राजकारण खूब ज निम्न कक्षानुं कहेवामां आवी रह्युं छे। जमुना वेगड़ाए आ अंगे कोई प्रतिक्रिया आपी छे के तेमनुं कोई निवेदन सामे आव्युं छे? जो बात करें गईकाल मोड़ी सांजथी तेमणे बंने फोन तेमना स्विच ऑफ करी नाख्या छे अने तेओ कोईना संपर्कमां नथी अथवा तो तेमनुं जे घर छे ते घरे पण ताळुं जोवा मळी रह्युं छे कारण के तेओनो आज ऑडियो वायरल थयो छे तेमां तेमनुं स्पष्ट एवं जे फोनेटिक वातचीत थई हती तेमां तेमणे जणाव्युं हतुं के आवी तेमणे कोईपण वातचीत करी नथी के विपक्षी नेता बनवा माटे तेमणे आवुं कोईपण काम कोईने सौंप्युं नथी। परंतु जे ऑडियो छे तेमां एमनुं जे नाम छे जमुना वेगड़ा ते तेओ लई रह्या छे ने सामे जे व्यक्ति छे तेमणे तेओ कही रह्या छे के बे फोटा जे ग्रीन कोटी वाला है शैहजाद पठान है कि विपक्षी नेता तरीके तेमणे चार्ज लीधो है। सामे पीड़ी कोटी ना जे फोटा हता के जे शैलेश परमारना हता तेमनुं पण तेमणे नाम जणाव्युं हतुं के ते धारासभ्य छे अने तेमनी ज मददथी शैहजाद विपक्षी नेता बन्या छे। एटले आ तमाम जे ऑडियो क्लिप छे तेनी अंदर आ समग्र बाबत हती जेमां जमुना वेगड़ानो ऑडियो हतो अने तेओ हाल एवुं कही रह्या छे के तेमणे आवी कोई पण वातचीत नथी करी अने तेमणे आवी कोई पण काळा जादू करवा माटेनी कोईने पण सोपारी नथी आपी। एटले के आज बाबत है हवे कांग्रेस राजकारण है चौक्सथी गरमायु है। परंतु सवाल ए थई रह्यो छे के आ जो ऑडियो क्लिप है तो वायरल कोना द्वारा करवामां आवी अने हवे शा माटे करवामां आवी ते एक सवाल है। मित्तल जी वृंदा आभार समग्र माहिती आपवा बदल। आप खुद उनसे जानकारी ले लीजिए। ये बनने रहा ना ये મને ટિકિટ મળી હતી ને તો એને મારો જે મોટો સાહેબ છે ને એને કહે કે મને નહીં લડાવો ને તો હું આત્મહત્યા કરીશ। हाँ मारू नाम कैंसल कराई तो यानी बेटा नीति ये खारा टोपरा जेवी छे ने नीति हाव खराब छे ने एवो छे मारी एवो छे यानी नीति हाव खराब छे ई ने ई पैसा सिवाय कोई ने ओरखता नथी। ई पैसा होय ने बेटा ते गमे ना भेगा हुई जाय एवा छे नहीं। हां बस ये बात छे मारी ने तमे हूं दुआ करू छे ने बे ऊपर पढ़ायो तांख राखी पढ़ाई करू छु बे ऊपर। हां ई बे छे ने तो अतारे आज ने બેઠો આયા નેતાની ખુરશીમાં એ પેલો છેલ્લો રહ્યો ને હા એ બેઠો જ્યાં મારે બેહવાનું હતું ત્યાં એને પૈસા આપીને મારું નામ કેન્સલ કરાયું ને એ બેઠો આજે બેઠો થઈ। હા આજે બેઠો એ કાઈ વાંધો નહીં તમે જોવો તો ખરી હો। હા આપણે કાઈ ફિકર કરવાની થતી નથી કાઈ એના ઉપર મને અડધી કલાક પઢાઈ કરવા દયો। समाचारमां आगळ वधीने वात करवामां आवे वडोदरानी तो वडोदरामां कोंग्रेसमां पण फरी एकवार जूथबंदी होय ते चरमसीमाए आवी पहोंची छे अने कोंग्रेसनो ककड़ाट पण सामे आव्यो छे। भाविक अमीने फेसबुक उपर 3 पोस्ट मूकी छे अने ते कोंग्रेसना नेता छे भाविक अमीन अने मौलिन वैष्णव उपर गंभीर आरोप करावामां आव्या छे अने तेमनुं कहेवुं छे के प्रदेशना नेता छे मौलिन वैष्णव अने मौलिन वैष्णव ज्यां सुधी छे त्यां सुधी भाजपनी ज सत्ता रहेशे अने एकवार राजीनामा पड़ी शके छे। आ घटनाने लईने आना पण गंभीर कही शकाय प्रत्याघात आ घटनाना पड़ी शके छे। शुं आगामी समयमां वडोदरा विपक्ष मुक्त बनशे तेवा पण अनेक प्रश्नों ऊभा थई रह्या छे के जे रीते कोंग्रेसनी जूथबंदी सामे आवी छे। अमदावादनी बात होय के वडोदरानी बात होय के अन्य विस्तारनी क्यांक ने क्यांक कोंग्रेसनो जे ककड़ाट जे छे ते सामे आवी चूक्यो छे अने कोंग्रेसमां फरी एकवार जूथबंदी सामे आवी छे। भाविक अमीने फेसबुक उपर 3 पोस्ट मूकी छे अने कोंग्रेसना नेता छे भाविक अमीन अने जेमणे मौलिन वैष्णव उपर गंभीर आरोप मूक्या छे। तेमनुं कहेवुं छे के ज्यां सुधी मौलिन वैष्णव छे त्यां सुधी भाजप ज सत्तामां रहेशे। वडोदरा कोंग्रेसना शहर प्रमुख बनवा माटेनी हरोड़ चाली रही है त्यारे अनेक नेताओं एवा छे के जो आ रेसमां होय ते प्रकारनो माहोल पण जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे भावी अमीन नामना जे कार्यकर्ता छे वडोदरा शहर कांग्रेसना आगेवान पण कही शकाय तेमना द्वारा एक पोस्ट करवामां आवी छे के ज्यां सुधी मौलिन भाई वडोदरामां छे त्यां सुधी कांग्रेसने सत्ता नहीं ज मळे। भाविक भाई आपणी साथे हाजर छे तेमनी साथे वात करीशुं। भाविक भाई आपना द्वारा जे पोस्ट करवामां आवी छे के ज्यां सुधी मौलिन व्यास छे त्यां सुधी कांग्रेस छे ते विपक्षमां ज रहेशे शुं कहो छो? आना थकी विधानसभानी इलेक्शन पण नजीक आवी रह्युं छे क्यांक ने क्यांक कांग्रेसने असर पड़े तेवुं लागी रह्युं छे। कांग्रेस ने तो असर जो तमने कहो कि कांग्रेस ने असर पड़वानी नहीं कारण के युवाओ जे छे वोटर से हमेशा पार्टी ने समर्पित है कार्यकर्ताओं समर्पित होय छे। પરંતુ કંઈક ને કંઈક જે લોકો જે પ્રદેશમાં નેતા જે નેતૃત્વ કરતા હોય કે જે મજબૂત જે સંગઠનની વાત આવતી હોય ત્યાં અમારા વિસ્તારમાં મૌલિનભાઈ વૈષ્ણવનું નામ મોખરે હોય છે। અને આજે છેલ્લા 25 વર્ષથી તમે જુઓ કે અમે અમારા વિસ્તારમાંથી એક ધારાસભ્ય નથી આપી શક્યા કે નથી અમે આ વખતના જે ઇલેક્શનની અંદર છે તે 7 સીટો આવી છે। એટલે વિપક્ષ કંઈક ને કંઈક રીતે બરોડા શહેરની અંદર નબળો પડી ગયો છે। હવે એ વસ્તુ તમે સમજો કે જો સત્તા ના મળતી હોય તો સમજ્યા 25 વર્ષથી, પરંતુ જ્યારે વિપક્ષની વાત આવે તો વિપક્ષ બી નબળો પડે તો મારી દ્રષ્ટિએ આજે પરિવર્તન કરવાની જરૂર છે। જૂથબંધીનું જે વિવાદ છે તે ચરમ સીમાએ પહોંચ્યો તે પ્રકારની પણ પરિસ્થિતિ છે। લાગી રહ્યું છે કે મૌલિનભાઈ દ્વારા જૂથબંધીને પણ એક પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે। જૂથબંધીનો जो शब्द जे छे ए हूँ मारी दृष्टिए बहु अलग विचार केवू कहवाय ने के तारो मारो अने आज वाला दौलानी जे नीति होय छे एने आ एक शब्दमां जूथबंधी आपणे कही शकाय। बाकी जो एनी अंदर एवुं कहेवा मांगे के ज्यारे तमे प्रदेशना नेतृत्व करता होय, मोटा कदावर नेता होय, तमारी पासे अमुक विस्तारनुं तमारी पासे प्रभारी जे होय ए रीतना तमारा वर्क होय तो संगठन मजबूतनी अंदर एवा व्यक्तिओने तमारे जोड़वा जोईए के जेथी तमारुं संगठन मजबूत बनतुं होय छे। परंतु मारो छे के आनो छे एम करीने जो तमे एने पद आपो के आपो तो ए मारी दृष्टिए मने नथी लागतुं के तमारुं संगठन एनाथी मजबूत बने। जी रीते बात करें प्रशांत भाई पटेल छे तेमनी 2 टर्म पूर्ण थई चुकी छे तो साथे ज मौलिन भाईनुं पण एवुं मानवुं छे तेओ पण लोबिंग करी रह्या छे के तेमना जे अनुयायीओ छे एमना जे अनुगामीओ छे एमांथी कोई एकने शहर कोंग्रेस प्रमुख बनाववामां आवे। लागी रह्युं छे आ समग्र विवाद छे तेने लईने क्या कोंग्रेसमां जे कार्यकर्ताओ छे तेमना पर पण माठी असर पड़ती होय। एक्जेक्टली जयरे एक वस्तु तमे समजो के 25 वर्षथी तमे जयरे वडोदरा शहरनी अंदर नेतृत्व करता होय अने त्यार पछी आजे एवुं समजो के तमे एक धारासभ्य ना लावी शकता होय के ना तमे मजबूत विपक्ष उभो करी शकता होय तो चोक्कसपणे कार्यकर्ताओने तो जे छे ठेस पहोंचवानी ज छे। परंतु रही बात अहीं पदाधिकारीओनी वात आवे छे तो जो हवे प्रशांतभाईनी तो टर्म पूरी थई गेली छे કેટલા સમયથી છે, પરંતુ જ્યાં સુધી બીજો એનો વિકલ્પ ના આવે ત્યાં સુધી એમને અત્યાર સુધી ચલાવે રાખેલું છે। પરંતુ પાર્ટીએ વિચારવાની જરૂર છે કે ભાઈ વહેલી તકે અહીંયા પ્રમુખ મૂકો, વ્યવસ્થિત અને સારા વ્યક્તિને મૂકો જેથી કરીને આવનારી જે વિધાનસભાની ઇલેક્શન છે એની અંદર સારું અને મજબૂતાઈથી કાર્યકર્તાઓ લડે, જીતે અને કમસે કમ આપણે જે જૂનો જે રેકોર્ડ છે સુધારીને કંઈક નવા રેકોર્ડ ઉપર જઈ શકીએ। प्रशांत पटेल की टर्म पूर्ण थी रही है, आप मानी रहा छो कि प्रशांत पटेल की जगह कोई अन्य व्यक्तिओं ने चांस मळवो जोईए जेना थकी वडोदरानो कांग्रेस मजबूत बने। प्रशांत भाई पटेले तो लास्ट इलेक्शन वखते पण राजीनामु आपी दीधेलुं हतुं, परंतु कंईक ने कंईक अंशे ज्यारे पार्टी बधुं आ बधी वस्तुनी समीक्षा करती होय छे अने एमने एवुं लाग्युं के ना प्रशांत पटेलने हमणे रहेवा दो अने एमणे कंटिन्युटी राख्या हता अने एमणे सारा काम करे छे। हूँ एमणे कामना अवगणना नहीं करी शकूं, परंतु काम अने तमारुं संगठन छे ए बे वस्तुमां बहु फरक होय छे। संगठन जे वस्तु आवती होय छे ए तमारे आगामी इलेक्शनोने ध्यानमां लईने करवानुं होय छे अने काम जे छे रूटीन काम छे के जे तमारी विपक्षोनो अवाज जे छे ए जनता सुधी पहोंचाडवानुं के सत्ता पक्षों सुधी पहोंचाडवानुं काम विपक्षनुं होय छे। एटले प्रशांत पटेलने अत्यारे तमे नवा प्रमुख तरीकेनी वात करता हो एमां केटला बधा नामो चर्चाए पण छे तमारा मीडिया थकीना माध्यमथी। मारे हूँ एमां टीका टिप्पणी नहीं करूं, हूँ एवुं ज कहीश के तमे पोते नक्की करो के आमांथी सारुं कोण, साचुं कोण अने आगळ केटली केवी रीते कांग्रेसने धपावे। बिल्कुल प्रशांत भाई जोड़े बात थी ए प्रकारे तेमनुं जे मानवुं हतुं तेमना आपनी पोस्ट ने लईने कही रह्या छे के जे पक्षमां छे ते पक्षमां रहीने ज पक्षना व्यक्तिओ माटे बोलवुं क्यांक केटलाक अंशे खोटुं पण मानी रह्या छो। आपनी आ पोस्ट थकी जे मौलिनभाईनुं जे वलण छे तेने लईने कांग्रेसनुं जे सत्ताधारी जे आगेवानो छे तेओ कोई योग्य निर्णय लेशे प्रदेश कक्षाना जे अधिकारीओ छे तेओ। जो बेन एक वस्तु जे प्रशांत भाई कई जे पण कीधुं हशे एमनो व्यक्तिगत विचार हशे अने कांग्रेस में रहीने कांग्रेस जे विचारधारानी आंदोलनथी ऊभी थयेली पार्टी छे एमां बधा आंदोलनकारीओ होय छे अने एक वस्तु जे के कांग्रेस विचारधारामां माने छे ने कांग्रेसनो कांग्रेसनी विचारधारानी अंदर कोई पण व्यक्ति होय, कोई पण कांग्रेसी कार्यकर्ता होय ए पोतानी वातोने रजूआत करी शके छे। एटले एवुं तो छे नहीं के भाई कांग्रेस में रही अने तमे कदाच एमना दूषणो होय के तमारी एमनी खोटी नामना होय के खोटी एमनी कार्य पद्धति होय एनो अवाज ना उठावे। जे 7 लोग लॉबिंग करी रहा है कि तेओने जे कार्यकर्ताओं छे तेओने एक चांस मळे शहर प्रमुख बनवा माटेनो आने लईने आप शुं कहेशो के क्या प्रकारथी जे शहर प्रमुख छे तेनी वरणी थवी जोईए? ने जो सारो मैं तमने कीधुं के कांग्रेस में बधा सारा ज छे परंतु एमां मारा केटला छे ए ओळखवानी जरूर छे। कांग्रेस में बधा सारा व्यक्तिओ छे। आजनी तारीख में कांग्रेस ने हूँ एवा केटला कांग्रेसी नेताओं ने ओळखू छूं के जे पोते पोताना घरना पैसा खर्चीने बी कांग्रेस माटे काम करवा वाळा छे। एटले एमां एवी वस्तु आवती नथी, परंतु हाँ ज्यां मारा ने तारानी वात आवे छे त्यां कंईक ने कंईक अंशे कांग्रेसनुं माळखुं छे, संगठन छे, ए ब्रेक थाय छे। जी रीते भाविक भाई बात करी कि जूथबंदी ना कारणे कांग्रेस ने माठी असर पड़ी रही है, तो आगामी दिवस में जयारे शहर कांग्रेस प्रमुख नी निमणूक थवानी वात छे तेने लईने पण जूथबंदी क्यांक आकार लई रही है अने तेने ज लईने कांग्रेस ने मोटू विधानसभा 2022 में पण नुकसान भोगवू पड़े ते प्रकारनी पण परिस्थिति उत्पन्न थई शके छे। त्यारे आ समग्र विवादनो अंत क्यारे आवे छे अने वडोदरा शहर ने कांग्रेसना नवा प्रमुख क्यारे मळे छे, तो कार्यकर्ताओं वच्चेनो जे विवाद छे ते क्यारे पूर्ण थाय छे ते जोवुं पण महत्वनुं रहेशे। क्रापर्सन रोहित गोयल साथे अंजली दवे मंतव्य न्यूज वडोदरा। समाचार में आगळ वधीने वात करवामां आवे तो धंधुकामां किशन भरवाडनी जे हत्या करवामां आवी छे तेने लईने रोष हजू पण भभूकी रह्यो छे। नागरिकोमां हजू पण रोष जोवा मळी रह्यो छे। भरवाड समाज द्वारा आश्चर्यजनक कार्यक्रमों पण करवामां आवी रह्या छे। वडोदरा शहरमां हजू पण हत्याना પડઘા पड़ी रह्या छे। विनोद शाह अने कार्यकरो द्वारा अनोखी रीते विरोध प्रदर्शन करवामां आवशे। માંજલપુરમાં કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ છે વિનોદ શાહ અને રોડ ઉપર આરોપીને તેઓ મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન જઈ રહ્યા છે। આરોપીને કડકમાં કડક સજાની માંગ સાથે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। 20 દિવસની બાળકીને સાચો ન્યાય મળે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે। તો માંજલપુર કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ વિનોદ શાહ છે અને તેમના દ્વારા અનોખી રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। રોડ ઉપર આરોપીને મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન જશે અને આરોપીને કડકમાં કડક સજાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। 20 દિવસની બાળકીને સાચો ન્યાય મળે તેની પણ માંગ કરવામાં આવી રહી છે। તો દ્રશ્યમાં આપ જોઈ શકો છો કે વડોદરા શહેરના આ દ્રશ્યો છે જ્યાં માંજલપુરના કોંગ્રેસ ઉપપ્રમુખ વિનોદ શાહ પોતાનો વિરોધ પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે અને અનોખી રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ધંધુકામાં યુવક પર થયેલા હુમલો અને ત્યારબાદ તેની કરવામાં આવેલી હત્યાને લઈને સમગ્ર રાજ્યભરમાં આ ઘટનાના પડઘાઓ સંભળાઈ રહ્યા છે। હત્યાને લઈને જે સમગ્ર રાજ્યમાં પડઘાઓ સંભળાઈ રહ્યા છે તેને લઈને જે વિરોધ પ્રદર્શન રાજ્યભરમાં લોકો કરી રહ્યા છે ત્યારે આજે વડોદરા શહેરના જે શહેર કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ છે તેમના દ્વારા આડોટતા સ્પંદન સર્કલથી લઈ અને પોલીસ સ્ટેશન સુધી આડોટતા જવા માટેનો જે આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ કર્યો છે તેને લઈને પણ કહી શકાય કે જે કિશન ભરવાડની જે હત્યા થઈ છે તે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને આને લઈને જે લોકો હત્યારાઓ છે, જે જવાબદાર આરોપીઓ છે તેમને કડકમાં કડક સજા થાય તો સાથે જ તેમને જે ફાંસીની સજા આપવામાં આવે તે પ્રકારની સમગ્ર मागणी है तेओ तेमना द्वारा करवामां आवी रही है। न फक्त कांग्रेस द्वारा परंतु भरवाड़ समाज होय के समस्त हिंदू समाज समग्र द्वारा आ प्रकारनी जे मागणी है ते करवामां आवी रही है। आपना द्वारा आश्चर्यजनक कार्यक्रम में जोड़ाया छो, शुं मांगणीओ छे आपनी? अमारी मांगणी है कि हेन्ड काउंटर करे। अमारा हिंदू समाजनी आज हिंदू समाजना अनेक युवानो वडोदरा राजकोट और भावनगर सूरत में आई हत्याओं अधर्मियों करी है एटले अमे आने वखोड़ी लाखीए छीए अने आवा अधर्मियों ने सरकार कड़क न कड़क पगला आपे अने आने फास्ट कोर्ट में चलावे अने एने 6 महीना में फांसी ना मार्शले लटकावे, एने फांसी ना मार्शले लड़ावे। एटले अमारी हिंदूनी आजे आखा भारत देश में आज मांगणी चाली रही है। एटले अमारा हिंदूनी लागणी अने मांगणीने लईने मोदी सरकार जो 36नी साथी राखता होय तो ये आ लोकोने फांसीना पाछळ चढ़ाई दे एवी दरेक हिंदूनी लागणी छे। बिल्कुल जे रीते भरवाड़ समाजना आगेवान छे जीवनभाई भरवाड़ तेओना द्वारा कहेवामां आव्युं छे के मागणी छे के जे समस्त जे आरोपीओ छे तमाम आरोपीओने योग्य कार्यवाही थाय, तमाम आरोपीओने फांसीनी सजा आपवामां आवे अथवा तो एन्काउंटर आप करवामां आवे ते प्रकारनी मागणी भरवाड़ समाज द्वारा करवामां आवी रही छे। कैमरामैन रोहित गोयल साथे अंजली दवे मंतव्य न्यूज वडोदरा। ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની જે હત્યા કરવામાં આવી છે તેને લઈને હજુ પણ રોષ શમ્યો નથી અને ભરવાડ સમાજ દ્વારા આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં હજુ પણ હત્યાના પડઘા પડી રહ્યા છે અને માંજલપુર કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ વિનોદ શાહ દ્વારા અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। રોડ ઉપર આરોપીને મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચશે અને ત્યાં આરોપીને કડકમાં કડક સજાની માંગ કરવામાં આવશે અને આવેદનપત્ર પણ આપવામાં આવશે। મહત્વનું છે के 20 દિવસની બાળકીને સાચો ન્યાય મળે તેની માંગ કરવામાં આવી રહી છે અને તેની સાથે જ આ અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો વડોદરાના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે વિનોદ શાહ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। तो मंतव्य न्यूज ना अहेवालनी धारदार असर जोवा मळी रही छे अने राजकोटमां जे वचेटियाओ बेफाम बन्या छे तेनी उपर लगाम कसवामां आवशे तेवी पण माहिती सामे आवी रही छे। तो जे रीते वचेटियाओ पैसा वसूली रह्या छे अने तेनी उपर लगाम कसवामां आवशे ते पण माहिती सामे आवी रही छे। योग्य पगला भरवामां आवशे, आरएमबी विभागने पत्र लखी अने फरियाद पण करवामां आवशे। तो वचेटियाओने सरकारी कचेरीमां नहीं बेसवा देवामां आवे। समाज कल्याण विभागना हेड क्लार्के आ माहिती आपी वचेटियाओ जे रीते सक्रिय थया छे तेनी उपर योग्य पगला भरवामां आवशे अने साथे ज आरएमबी विभागने पत्र लखवामां आवशे अने तेनी फरियाद करवामां आवशे। वचेटियाओने सरकारी कचेरीमां प्रवेश नहीं आपवामां आवे, तेमने नहीं बेसवा देवामां आवे तेवी पण रजूआत करवामां आवशे। समाज कल्याण विभागना हेड क्लार्क द्वारा आ माहिती आपवामां आवी रही छे। तो मंतव्य न्यूज सवारथी जे एक मुहिम चलावी रह्यु छे अने पर्दाफाश कर्यो छे वचेटियाओनो राजनो। त्यारे आ अंगे आरएमबी विभागने पत्र लखवामां आवशे अने वचेटियाओने सरकारी कचेरीमां नहीं बेसवा देवामां आवे तेवी रजूआत पण करवामां आवशे। आटली लाइन में लोग उभा छे अने तमे अहींया बेसीने काम करो, तमे अंदर पण गया अने कचेरीमां फॉर्म तमे एकला दे आव्या, बधाय बार उभा छे। ओला साहेबने फॉर्म देवा गया, कचेरी नोती खुली, तमे अंदर जईने केवी रीते आपी आव्या? पा देवे ने ओला वकील आगे देवे ने जोयू नोत हारो जाऊ पड़े ने साहेब। नहीं आटला लोग लाइन में उभा छे अने तमे अंदर जईने दे आव्या फॉर्म? आप आपडा लाइन हूं फॉर्म न दी आव्यो, वकील अंदर बेठे एमा जाऊ इंटरव्यू लेवा त्या लाइन छे। काका तमे मंतव्यना कैमरामां कैद थया छो अने एनी अंदर तमे स्वीकार्यु छे के 50 रुपया वधु आपशो तो तमारुं काम थई जशे, तमे 2 वागे आवी जजो। खोटुं बोलो માં અમારી પાસે વિડિયો છે તમારો, જે વિડિયો ની અંદર તમે બોલો છો કે 50 રૂપિયા વધારે આપજો તો તમારું કામ થઈ જશે। હું કાઈ ના એવું કશું બોલતા જ નથી। હું છે ને ગવર્નમેન્ટ સર્વન્ટ છું, પેન્શન એટલે મને છે ને કાઈ હું કોઈને વધારે પૈસા જ નથી લેતો। તો અહીંયા બેસીને તમારે કેમ કરવું પડે છે? તમારે ઓળખીત આવે એટલે કરીએ, નવરા બેઠા છે હમણે વ્યાજ દશું નહીં। તમે તો અત્યારે તમે કહો છો ને સરકારી નોકર છો, તમારી જવાબદારી શું છે? પેન્શન ન સૌ કહું એટલે નોકરી પૂર્ણ થયા બાદ તમે હવે આ કામ કરો છો? આ કામ ની મફત કરીએ છીએ, સેવા કરીએ। તમે પૈસા એટલે તમને કોઈ જવાબદારી અહીંની આપી છે? સરકારી તંત્રએ કોઈ જવાબદારી આપી છે? આવતી નથી, અમે ખાલી અમે આવીએ છીએ પછી ઉયા જઈએ, કામ નથી કરતા। હું પૈસા નથી લેતા, એ ચા પાણીના પૈસા આપે તો કાયદેસર ચા પાણીના ને એ જ થયું ને કાકા, તમારે અહીંયા સરકારી તમને કોઈ નિમ્યા નથી, તમારે કોઈ અહીંયા કામગીરી કરવાની નથી, તો પછી તમે કેવી રીતે અહીંયા બેસો છો? બસ અમે તો આવીએ ફોર્મ કરે એટલે બેસી ગયા, એક આવે પછી બીજો આવે બીજો ત્રીજો કરીએ પછી જતા રહીએ। तो युवाओं पास पैसा लेवानुं तमने शोभे छे? तमने लागे छे? स्वीकार्यु तमे स्वीकार्यु मंतव्यना केमेरामां के 50 रूपिया लई अने तमे 50 रूपिया लईने तमे फोटो पडाववा माटे आवी जजो। बिलकुल बोलोमां काई मे स्वीकार्यु नथी। मारी पासे क्लिप छे तमारी, क्लिप आपजो तमे મને તમારે જાવ। તમને કયા અધિકારી અહીંયા બેસવાનો હક આપ્યો છે? તમને કયા સરકારી અધિકારી અહીંયા બેસવાનો હક આપ્યો છે? કોઈ નથી આપ્યો, અમે અમારી રીતે મફત। પછી તમે સરકારી કચેરીમાં મફતમાં કેમ અહીંયા કામ કરો છો? નહીં અમે તો બેઠીએ છીએ કરીએ છીએ, પાછા તમે ના પાડશો તમે જતા રહેશો, બરાબર। જે પ્રકારે આ સ્થિતિ છે તે રાજકોટની અંદર સામે આવી છે। હજારો યુવાનો જેમને ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવાનું છે તેઓ અહીંયા લાઇનમાં ઉભા રહે છે અને આ પ્રકારના વચેટિયાઓ છે તે સરકારી પટાંગણની અંદર જ આ પ્રકારે જે વહીવટ રાજ છે તે ચલાવે છે। અને હવે જ્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝે આ સમગ્ર મામલે પર્દાફાશ કર્યો, મંતવ્ય ન્યૂઝે જ્યારે આ અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા ત્યારે કાકા તેમના ફોર્મ અને જે બધું જ જેમની પાસે કાગળિયા હતા તે લઈ અને તેમને ચાલતી પકડી છે। आज સૌથી મોટો पर्दाफाश છે તે સામે આવ્યો છે। આપ જો આ લાઇનના દ્રશ્યો જુઓ કે જે યુવાનો વહેલી સવારથી હજી બારી નથી ખુલી તે પહેલા ફોર્મ લેવા માટે અને ફોર્મ સબમિટ કરાવવા માટે લાઇનમાં ઉભા રહે છે, ત્યારે આ પ્રકારના વચેટિયાઓ એ 10 રૂપિયાના ફોર્મના 350 રૂપિયા લઈ અને ક્યાંક ને ક્યાંક વચ્ચેથી તેમનું જે સેટિંગ રાજ આખું ચાલી રહ્યું છે તેનો पर्दाफाश મંતવ્ય। तो मंतव्य न्यूजना अहेवालनी धारदार असर जोवा मळी रही छे अने राजकोटमां वचेटियाओ जे छे तेनी उपर पगला भरवानी खातरी आपवामां आवी छे अने आरएमबी विभागने पत्र लखी अने आ अंगे फरियाद करवामां आवशे अने वचेटियाओने सरकारी कचेरीमां पण नहीं बेसवा देवामां आवे। क्रिमिनल सर्टिफिकेट कढाववा माटे वचेटियाओ जे छे ते राजकोटमां बेफाम बन्या छे अने राजकोटनी बहुમાળી ભવનના દ્રશ્યો અમે આપને દર્શાવી રહ્યા છીએ, જ્યાં વચેટિયાઓ દ્વારા યુવકોને લૂંટવામાં આવી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવાના જે ફોર્મના 10 રૂપિયા થતા હોય છે તેના બદલે 350 થી 400 રૂપિયા વસૂલવામાં આવી રહ્યા છે આ વચેટિયાઓ દ્વારા। तो आ साथ ज बुलेटिन की समाप्ति और महत्वना समाचार और अपडेट माटे लॉग इन करो हमारी वेबसाइट मंतव्य न्यूज.com पर। नमस्कार।